जो आईजी और चीफ सेक्रेटरी जो सिंध से तैनात किए गए हैं यहाँ पर, ये कमर जुमान कायरा और बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया है। ये बेईमान और चोर लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन चुराया हमारा। इनके खिलाफ हम हर जगह पर इनका तदारक भी करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट में भी जाएंगे, आज़ाद कश्मीर की जुडिशरी के पास भी जाएंगे। और ये जो बिल्कुल इनको नहीं छोड़ेंगे, ये जो इन्होंने ठप्पे लगाए ना, आपको तो मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने 24 में से वो जो 1900 वोट नहीं डालने दिए, 1900 वोट आपने नहीं डालने दिए, और यही हमारी इंशाल्लाह ये हक की फतह है। और अगर जिस तरह आप खड़े हुए, जिस तरह सुरल के लोग खड़े हुए, इस तरह बाकी लोगों पर भी अगर लोग खड़े होते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन हमें पता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बदमाशी की है, जितनी बदमाशी उन्होंने इस फुटेड़े के स्टेशन पर किया। और मेरे अजीज, मेरे भतीजे, जिस तरह रिजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, असद को बनाया गया, बाकी लोगों को बनाया गया, यहाँ पर एक एक आदमी को उन्होंने हरासा करके भगाने की कोशिश की है। लेकिन ये लोग अपने उस काज की खातर, अपने नजरिए की खातर और लोगों के जमहूरी हक की खातर यहाँ पर खड़े हुए। हम इन चोरों, लटेरों, बदमाशों और बताखोरों के खिलाफ बाग में हर फोरम के ऊपर, हर जगह के ऊपर, चौकों और चौराहों के ऊपर हम इनके खिलाफ जो है वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। ये इन्होंने किसी मामूली आदमी के साथ पंगा नहीं लिया, ये गुमान में आप ना रहें। मैं आपको, आपने नवाज शरीफ के एक सिपाही के साथ पंगा लिया हुआ है, और इंशाल्लाह आपको पूरे को घर तक छोड़ा हूँ, चोले तक छोड़ के आऊँगा, वो सामने नजर आते पन्या जी वहाँ तक छोड़ के आऊँगा। जिस तरह कमर जमान साहब, जिस तरह आपको 2016 में 9000 वोट दिए थे, मैंने 26000 वोट दिए थे, लेकिन आपने उसका आज दोंस दादी और बदमाशी से उसका बदला लिया है। इंशाल्लाह ये बदला फिर मैं डबल करके पाजी आपको नेंद्रा वापस करूंगा इंशाल्लाह। आप ना छोड़े, एक एक कारकुन के साथ है तहफ़ करेंगे। इस हुकूमत में हम भी बराबर के स्टेक होल्डर हैं, ये कोई एक तरफा हुकूमत नहीं होगी। यहाँ पर अगर DC, SP और ये बाकी इंतजामिया बदमाशी करेगी, हम भी उनके साथ उसी जबान में बात करेंगे। अगर वो गैर जानबदारी से काम लेंगे, लोगों को इंसाफ देंगे, हम उनके साथ तावन करेंगे। ये हुकूमत इंशाल्लाह इसका, इसके साथ जो हमारा फ्यूचर का तावन जो है वो वज़ीर आज़म मैं चौधरी अनवार अल्लाह को मैं ये बात कन्वे कर दूंगा, और उसके बाद हालात की जिम्मेदारी चौधरी अनवार अल्लाह को और उसकी इंतजामिया पर होगी। इंशाल्लाह आपके साथ हैं, आप जिस तरह खड़े रहें मैं आपके साथ हूँ। आप जिस जगह पर मुझे बुलाएंगे, यहाँ पर इस्लामाबाद में, मुजफ्फराबाद में, बाग में, इस गांव में, जहाँ पर रहेंगे इंशाल्लाह पूरी मुस्लिम लीग अपने साथियों समेत, जो मुस्लिम पार्टी हमारी उतारी है, बाकी जो भी जिस शख्स ने हमें वोट दिया है, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करने के लिए एक जगह पर जा रहा हूँ। इंशाल्लाह अगला इलेक्शन शायद 3 माह के बाद आए, 6 माह के बाद आए, साल के बाद आए, लोगों का चाहो जो जिन्होंने इन बदमाशों को प्रोटेक्ट किया और उनका साथ दिया, इनका चाह भी ख़त्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है जिस तरह जो गुंडागर्दी उन्होंने शुरू किया इलेक्शन डे से लेके आज तक, ये जिस तरह तूफान बदतमीजी है, यहाँ हम 2016 में जीते तो हम सरबसजूद हो गए, हमारे लोगों ने नवाफर अदा किए, लेकिन ये कल से पटाखे जैसे कश्मीर फतह करके आएंगे, ये बदमाशी से जुल्लू ठप्पे से इलेक्शन जीत के, तो ये लोगों को, शरीफ लोगों के घरों के सामने जो है ना पटाखे वो कर रहे हैं। मैं खसूसी तौर पर मैं अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सबसे बड़ी बात कि जो इस मुश्किल तरीन हालात में पुलिस स्टेशन तक पहुँची और उन्होंने अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल किया और उनकी तमाम तर ओछे हथकंडों को नाकाम बनाया। मैं अपने उन बच्चियों को, अपनी माओ बहनों को सलाम पेश करता हूँ। इंशाल्लाह हम आगे जा रहे हैं, एक एक जगह पर लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, साथियों को हम जो है ना पूरा नया लाया अमल दे रहे हैं। मैं आप तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ जी, वो मैं बिल्कुल, वो उनके साथ मेरी बात भी हो गई है, इंशाल्लाह वहाँ पर भी जाएंगे। आप तमाम अहमान का बहुत बहुत शुक्रिया।